Barbarian, Baba, Barbarian. Dave the Barbarian, bada parder ko. Uski pehne fang aur candy, ek princess hai ek chimp. Mata pita raja rani, naam desh ka utrogot. Shaitano se ladne nikle aur candy hai ab. हम चलते हैं अपने हीरोज के पास। देखते नहीं, हम छुप रहे हैं। मेरी गलती है, हमारे हीरोज प्राचीन मंदिर में एक रहस्यमय चीज के लिए छुप कर घुस रहे हैं। वो देखो वहाँ। तुम्हारी हिम्मत हमने देख ली डेविड, अब उछलो मत, नीचे आ जाओ। मुझे पता है कि वो डरावनी मूर्ति ची उठेगी और हम पर हमला करेगी। बेकार बात है। अच्छा बताओ, आज हम कितने मंदिर गए? छे। और कितनी मूर्तियों ने जिंदा होकर हम पर वार किया है? छे। क्या सिर्फ मुझे ही ये पैटर्न दिखाई दे रहा है? आराम से देव, इस मूर्ति का नंबर है 67। देखा, कितना भी चिल्लाओ ये मूर्तियाँ जिंदा नहीं होंगी जब तक तुम इन्हें छुओगे नहीं। ठीक है, तो कोई भी मूर्ति को नहीं छुएगा, समझे फैफी? गुड, अब लेते हैं कॉम्बैट रैटल। जी हाँ, कॉम्बैट रैटल, ये कभी उट्रोगोथ के युद्ध के देवता का था, तब जब वो बच्चा था और सिर्फ नखरों का देवता था, और कॉम्बैट रैटल को बचाने वाले को वो विनाश की ताकत देता था। हे, लगता है इस बार हम मंदिर से बिना चोट खाए जाएंगे। मैं स्कूल बंकु रैटल का गार्डियन। प्राचीन भविष्यवाणी के मुताबिक अब मुझे तुम्हें मारना है। फैफी, तुमने ऐसा क्यों किया? समझा। अगले दिन डेव कॉम्बैट रैटल को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर छुपाने के लिए तैयार होता है, जो है फैफी की पोटी। बदबू बहुत ज्यादा है, आगे नहीं जा सकता। बहुत अच्छी कोशिश है मेरे बेटे, अब असली रैटल के साथ ये करो। आप बहुत गंदे हैं। बाद में असली रैटल को फैफी की पॉटी में डालने के बाद अब बदबू से छुटकारा मिला। फिर से सोच लो बदबूदार। डेव, मुझे बात करनी है। हमें कैफे का कुछ करना पड़ेगा। वो बेकाबू हो गया है डेव, जरा इन फ्लैशबैक्स को तो देखो। क्या किसी ने ट्विंकल द मार्वेलस को देखा है? शायद। ऐसा मत करो, वहाँ मेरा दिमाग है। जय हो राजकुमारी, मैं एल्फ किंग यहाँ आया हूँ दोस्त। मैं एल्फ का श्राप मनुष्यों को देता हूँ, आज से मेंढक की टांगों में चिकन का स्वाद मिलेगा। मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं हुई है, वो कितनी मीठी और मजेदार होती थी। ओके, फैफी को अनुशासन सिखाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा प्यार और नरमी के साथ। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा रोल ओवर। हमारे हीरोज ट्रेनिंग के सभी तरीके आजमाते हैं, जिसमें है डराना, अच्छे खाने का लालच। उठ जाओ, उठ जाओ, देखो मैं तुम्हें ये दूंगी। और जी हाँ, मिन्नत करना। हेलो, ओ प्लीज हेलो, प्लीज 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 थोड़ा हेलो फैफी। फैफी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो थोड़ा हेलो। लेकिन कोई भी तरीका फैफी की मोटी खाल में से उसके दिमाग के छोटे हिस्सों में नहीं घुसा। इसी बीच द डार्क लॉर्ड चकल्स द स्लीपी पिगी की नजर पड़ती है कॉम्बैट रैटल पर। कुछ भी हो जाए वो मेरा ही होगा, कॉम्बैट रैटल की ताकत से मैं दुनिया पर राज करूंगा।
चाची ये मेरे कॉम्बैट पेसिफायर और कॉम्बैट डायपर के साथ कितना अच्छा लगेगा। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अगर मेरा ये कलेक्शन पूरा हो गया तो मेरे सब साथियों को कितनी जलन होगी। दीवार के जादू आई ने कहा है वो रैटल? तुक बंदी करो बुद्धू। हाँ, ओ हाँ, दीवार के जादू आई ने रैटल रखता है बहुत मायने। ठीक है, होशियार। मैं इस बदसूरत जगह को जानता हूँ। ये देव द बारबेरियन का किला है। थैंक्स मैजिक मिरर। वैसे सबसे अच्छा कौन है यहाँ? तुम नहीं हो, समझ गए? देखते हैं, लगता है किले में घुसकर रैटल को ढूंढना पड़ेगा। मुझे भेष बदलना होगा। अच्छा हुआ मेरे पास है एलिवेटर ओवरऑल्स। एलिवेटर ओवरऑल्स पहनकर मैं ताकतवर बन जाऊंगा। हेलो, मैं घुमक्कर कुक हूँ। मुझे कॉम्बैट रैटल केक बनाने के लिए खास चीज चाहिए। पता नहीं, हमें पेशेवर ड्रैगन ट्रेनर चाहिए होगा। कहिए। हेलो, मैं हूँ एक पेशेवर ड्रैगन ट्रेनर। अब इसे कहते हैं किस्मत का साथ देना। तुम बदसूरत ड्रैगन हो ना, सब टीके लगवाए हैं? ड्रैगन वहाँ पर है। मैं भी कितना ना समझ हूँ, तुम ड्रैगन नहीं हो। तुम्हारी बड़बड़िया काफी दिलचस्प है। मैं बड़बड़िया नहीं हूँ। आपको सब किस नाम से बुलाते हैं? बिल्कुल नया नाम है। ड्रैगन को ट्रेन करने का एक ही तरीका है, और वो है उसे उदाहरण दिखाओ। हम उसे ड्रैगन का बर्ताव दिखाएंगे। रोल ओवर। क्या आपको यकीन है? मैंने कहा रोल ओवर, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अब बैठो, जीप दिखाओ, डांस करो। माफ कीजिएगा। मैंने कहा डांस करो। तुम्हारा डांस देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं अभी आता हूँ और जब मैं लौटूं तब तक प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाओ। स्टेप डांस करके मुझ में ताकत आ जाती है। अब मुझे ढूंढना है कॉम्बैट रैटल। ओ, मैं कितना बुरा हूँ। और चकल्स किले का कोना कोना छांप मारता है। कॉम्बैट रैटल, ओ कॉम्बैट रैटल, रैटल 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 रैटल, कहाँ हो भाई? आ जाओ मेरे प्यारे रैटली। तो यहाँ है, इस बार मैं सचमुच मार खा गया। ड्रैगन की पॉटी के पास कोई नहीं जा सकता सिवाय ड्रैगन के। और अब शुरू होता है इच्छाओं का मुकाबला। कॉम्बैट रैटल पाने की डार्क लॉर्ड की इच्छा का मुकाबला है फैफी के आलस में पड़े रहने की इच्छा से। इस संघर्ष में कौन जीतेगा, कौन जाएगा शान से जीत कर, और कौन शर्म से सर झुका कर? कौन 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 होगा वो कौन? तो इच्छाओं का मुकाबला इतना कठिन? जाओ जाओ कॉम्बैट रैटल को ले आओ। रैटल मेरे पास होगा तो मैं उसे इस्तेमाल करूंगा बारबेरियन दुश्मनों की ताकत को खत्म करने के लिए। समझे? जब तक ऐसे रास्ते रहना पड़ेगा। जब तक फैफी कहना मानना नहीं सीखता। देखा, वो अभी से ही सीख गया है कि ताकतवर चीजों को ड्रैगन ट्रेनर को देना चाहिए, जो शायद और कोई नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड चकल्स द सिली पिगी है। मुझे दे दो ये रैटली वैटली। इतनी जल्दी नहीं चकल्स। तो इस भेस में भी तुमने मुझे पहचान लिया? ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस दाढ़ी और एलिवेटर ओवरऑल ही तो पहने हैं तुमने। लेकिन मैं कितना लंबा हूँ, मैं कितना लंबा हूँ, लंबा लंबा लड़का। खैर ये लो। कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जूता बांधने वाली चीज को क्या कहते हैं, रसिया फीता? हाँ सॉरी, बचने का कोई तो रास्ता होगा। अचानक टीम को एक आइडिया आता है। उसकी बस एक ही उम्मीद है कि फैफी उसका एक सिंपल आदेश मान ले। फैफी हिलो, हिलो फैफी, हिलो।
अरे ये क्या, डेव की पुकार फैफी के छोटे से दिमाग तक पहुंच गई। और सावधान, फैफी कहना मानता है और कॉम्बैट रैटल की जादुई ताकत में जान आ जाती है। बहुत अच्छे फैफी। फैफी बहुत अच्छे। मुझे अभी अभी कुछ याद आया है। यही कि उसे रस्सी नहीं फीता कहते हैं। नहीं कि चीजें हमेशा नीचे गिरती हैं। बाद में हमारे हीरोज एक और प्राचीन मंदिर में जाते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज के लिए। जल्दी 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 जल्दी। जो है बाथरूम। मुझे नफरत है ऐसी मूर्तियों से। ऐसा ना हो जिंदा होकर हमला कर दे। जब तक कोई छुएगा नहीं फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फैफी, हेलो महत। डेव द बारबेरियन में आपने देखा है। और अब हमारा ये एपिसोड। हर बारबेरियन को एक दिन अपने से बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ता है। डेव के लिए ये दुश्मन है ताकतवर, भयानक, डरावना, पैर का नाखून। रोना बंद करो, थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे। मेरे साथ दर्जनों बार ऐसा हुआ है। लेकिन अंकल, नाखून तो सिर्फ 10 होते हैं। हाँ, लड़कियों के लिए ये बात सच है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों क्यों क्यों? पुरानी यादों का क्या फायदा? मुझे ये बारबेरियन पन छोड़ना पड़ेगा इस टूटे नाखून और छाले की वजह से। तुम बारबेरियन पन छोड़ोगे? नहीं जी, तुम रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। तुम मुझे वैसे ही हर बार शर्मिंदा करते रहते हो। मैंने कब शर्मिंदा किया है तुम्हें? देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने रेस्टोरेंट खोला तो हमेशा ऐसा ही होगा। ओ नहीं, नहीं। देव, तुम रेस्टोरेंट के लिए खाना बनाते रहे तो मेरा मनपसंद लंच बनाने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। यप, बस बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई हैं। तो आप लोग मेरे रेस्टोरेंट खोलने के खिलाफ हैं? हाँ? बिल्कुल जी का। नहीं, आओ मेरे नाखून, आओ आओ आओ। जरा खुद को तो देखो, तुम तो बिल्ली की तरह ताकतवर हो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं सब कुछ खुद करूँगा। तुम्हें दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा। बस ऐसा करने के बाद मेरा छाला और भी छोटा और भी कम फिर गायब हो जाएगा। और इस वादे के साथ डेव अपने नए करियर की शुरुआत करने का पक्का इरादा कर लेता है। 2 कप मैदा, 4 अंडे, 1/2 बाल्टी। खाना बनाने का सामान खा लिया? हाँ बिल्कुल, अब तुम रेस्टोरेंट नहीं खोलोगे। वो किशमिश खराब थी शायद। मेरे पास किशमिश थी नहीं। तो फिर मैंने अभी। ओ बाबा रे। लेकिन डेव हार नहीं मानता और फिर सामान भरता है। आप बंद होना ही चाहिए। भूखे पेट खरीदारी करनी नहीं चाहिए। अफसोस कि डेव के पास एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, एक कुक बुक। कौन ले गया होगा? आपने उसके कुकबुक को कहाँ भेज दिया? वक्त की शुरुआत में। कहीं अतीत को बदलने के बाद वर्तमान में कोई बदलाव तो नहीं होगा ना? डायनासोर्स को खाना बनाना सिखाने से बदलाव तो आएगा। बड़ा पिज्जा ज्यादा चीज। थैंक यू। डेव नई कुकबुक ढूंढता है। ओह ये क्या है? मम्मी कुकबुक। ये ठीक है। धूल से एलर्जी है। लेकिन डेव को पता नहीं है कि ये कुकबुक साधारण कुकबुक नहीं बल्कि भयानक क्यूजीन एंड मिस्टीरियम कुकबुक है। सदियों से खोई इस किताब की रचना बुराई की लपटों से हुई थी। जी हाँ, इसकी अनोखी बुरी रेसिपी से बनी डिशेस जिंदा हो जाती हैं और तबाही मचाने लगती है। अगर चाहते हो शैतानी बनाना कुछ तुम तो पढ़ लेना ये कुसीनम मिस्टीरियम। असली बुरा खाना नाश्ता और गाता नहीं है, मीटिंग तो करनी पड़ेगी।
और अब डेव का छाला बस फूटने ही वाला है। रोस्टेड खाना, वाह। ऊपर से डालिए चालाकी का एसेंस। हे, ये तो मेरे पास है ही नहीं। नींबू मिर्च चलेगी? ओलाला, ये बारहवीं डिश गायब हो गई है यहाँ से। कोई मेरे रेस्टोरेंट का प्लान बिगाड़ने के लिए सब कुछ चोरी कर रहा है। लेकिन कौन कौन? क्या फैंग? क्या कैंडी? शायद ऑस्विज। फैफी भी तो हो सकता है। मुझे पता है, मैं खुद। तुम अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, है ना? मुझे अपनी कामयाबी से जलन है। खुद को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि भूल नहीं पाऊं। लेकिन मैं तो कर ही नहीं सकता हूं। मैं तो यहां से उठा ही नहीं हूं। पता लगाना पड़ेगा कि सबका जिम्मेदार कौन है। और डेव अपने ही परिवार की जासूसी शुरू कर देता है। अलविदा अलविदा मेरे प्यार। रानी ने गहरी सांस ली और राजा को जाते देखते रह गई। हाँ, अच्छी कहानी है। उस बुद्धू को ये भी नहीं पता मैं बात करता हूँ। दुखी है क्या? देता हूँ। ये बड़ा बुद्धू आखिर कौन हो सकता है? अगले दिन डेव का शक और खराब रूप ले लेता है। जल्दी ही मेरे दुश्मन, जल्दी ही तुम मेरी दया पर जिंदा होंगे। डेविड, तुम्हें एक ग्लास गर्म दूध की जरूरत है। तुम मुझे सुलाना चाहती हो? हाँ, तुम ही मेरे खिलाफ हो शायद। तुम में अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है, पता है ना? किसी को भी डेव के बढ़ते पागलपन की खबर नहीं थी क्योंकि सब बिजी थे ठोकर मीट लोफ्स, हत्यारे केक्स और भयानक स्पेगेटी से निपटने में। अरे, ये सब भयानक खाना कहाँ से आ रहा है? पता नहीं, लेकिन काफी टेस्टी है। इसने तो मेरे बाल खराब कर दिए। हमें डेव की मदद लेनी चाहिए। जरूर, खाने के बाद। डेव, जल्दी करो, बाहर निकलो, चारों तरफ बुरा खाना है। ये सब एक चाल है मेरा छाला फोड़ने की। लेकिन वो मॉन्स्टर खाना, कुछ करो डेव। नहीं कर सकता। ओह, ये टेस्टी होगा, आर्मागेडन सूफले। हाँ, आर्मागेडन सूफले, इसे खाकर खाना खत्म करो और साथ ही खत्म करो दुनिया को। 10,000 अंडे, 100 डिब्बे चीनी, 20 गाड़ी मक्खन और चुटकी भर नमक। अच्छा हुआ मैंने सामान भर लिया था। याहू, बन गया सूफले। नाखून का ध्यान रखना। स्वीटिश नहीं बना पाता। कजिनम मिस्टेरियम। या कजिनम मिस्टेरियम। ए, इसकी हर रेसिपी जीवित प्राणियों के लिए बहुत घातक है। ओ, मुझे आइसक्रीम का फ्लेवर लगा था। ए, तुमने एक ऐसी चीज पका दी जो हम सबको तबाह करेगी। ना, शायद हो सकता है। सब मेरी गलती है। तुम लोगों ने बुरे खाने के बारे में बताया था और मैंने नहीं माना। तुमने हम पर यकीन नहीं किया। हमने तुम्हारी कुकबुक चुराई और तुम्हारा सपना तोड़ने की कोशिश की। गुड पॉइंट। लेकिन अब से मैं तुम सब पर यकीन करूंगा, हमेशा हमेशा हमेशा। बारी बारी यार, अब भागना पड़ेगा। मेरी उंगली। आखिर में हमारे हीरोज आ जाते हैं मैदान में, लेकिन अफसोस विशाल सूखने भी कब नहीं था। इतने साल लापरवाही की वजह से सूफले बिगाड़ता रहा, लेकिन इसे चाहकर भी नहीं बिगाड़ सकता। वारे मेरी किस्मत। तुमने वो सारे सूफले कैसे बिगाड़े थे? आमतौर पर एक छींक, जोर की आवाज। बिल्कुल, हमें इतनी जोर की आवाज निकालनी है कि सूफले गायब। लेकिन इतनी जोर की आवाज कैसे निकलेगी? ये मुझे पता नहीं। एक्सक्यूज मी।
उंगली पर पैर रखना है। वो क्या बात कर रहे हैं? मेरे बारे में पसीने की बदबू है? नहीं नहीं नहीं, मुझे परिवार पर यकीन करना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा। अगर मैं कहूँ तो क्या तुम अपना पैर यहाँ पर रखोगे? क्यों नहीं, जरूर रखूंगा। शायद चोट लग जाएगी। आओ मेरी उंगली। मैंने ठीक कहा था, मुझे चोट लगी। काम हो गया। हाँ, देव की ताकत पर चीख ने दुनिया को बचा लिया। तो अभी भी रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो देव? हम इस बार तुम्हारा जरूर साथ देंगे। खाना बनाने में मेरी मदद करोगी? शिया, उतना साथ नहीं देंगे। छोड़ो, बहुत खाना बना लिया। मैं अब स्वेटर बुनूंगा और देखो मैं क्या लाया हूँ। द यानम मिस्टीरियम गाइड टू निटिंग।